अगर नहीं भी हुई तभी मैं स्कूल जाऊंगी ही जाऊंगी। मैं फिर से लेट उठी हूँ। कोई अपनी एक पेंसिल तक शेयर नहीं करता। ऑफलाइन क्लासेस की आदत पड़ने में टाइम लगेगा। शनाया शनाया, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। क्या हो गया रमी? शनाया की क्लासेस बंद नहीं हुई है, अभी उसकी टीचर का फोन आया था। क्या? जी हाँ, ये देखो ये बैठ के यहाँ पे कार्टून देख रही है और हमको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही है। शनाया वेरी बैड। शनाया तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? आई एम सॉरी मम्मा पापा। पर तुमने झूठ बोला ही क्यों शनाया? पापा मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे घर पे ही अच्छा लगता है। शनाया बेटा स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? अगर पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी में कुछ बनोगे कैसे? शनाया अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। नहीं पापा प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बेटा जी आपको बस कुछ नहीं आलस आ रहा है। और एक सच बात बताओ, सीक्रेट आपका और मेरा, मुझे भी बहुत आलस आता है। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास होती थी तो मैं भी सुबह लेट उठती थी, ना टिफिन बनाने की टेंशन ना बस स्टॉप पे छोड़ने की टेंशन, है ना, आराम से चलता था। अब स्कूल खुल गए, अब सुबह जल्दी उठना होता है, टिफिन भी पैक करना है, स्कूल भी छोड़ना है, सारे काम करने हैं, तो पर करना तो है ना, है ना? तो शनाया बेटा कल से स्कूल जाओगे ना? हाँ जी पापा। गुड गर्ल गो। कितना मुश्किल है बच्चों को वापस रूटीन में लाना, है ना, पर हो जाएगा, सब आ जाएंगे लाइन में। अरे अनन्या, रमनी किसको तो कॉफ हो रहा है। अरे कब से खांसी हो रही है तुम्हें अनन्या? भाई कहीं इसको कहीं स्कूल से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? अरे इसकी टीचर को कॉल करके बात करो। मम्मा पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है। और कोई सिम्टम तो नहीं है बेटा? कोई और सिम्टम है तो बताओ अनन्या। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, शाम तक खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी तो है, अगर नहीं भी हुई तभी मैं स्कूल जाऊंगी ही जाऊंगी। The next day. मामा, क्या हुआ शनाया? आज मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ। क्यों? तुम पढ़ के तो गई थी ना बेटा? मामा मैं पढ़ के तो गई थी लेकिन मुझसे लिखा ही नहीं गया, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं थी। बेटा दो साल आपने ऑनलाइन एग्जाम्स जो दिए हैं इसलिए। तो अब मैं क्या करूं? और फिर ऐसे तो मेरे सारे टेस्ट पूरे होंगे। नहीं होंगे, आप ऐसा करो आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करो, एवरी डे रोज 1 पेज लिखो, इस तरह आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस वापस हो जाएगी। ये अच्छा आइडिया है मम्मा, आज से मैं ऐसे ही करूंगी। यस। द नेक्स्ट डे। आपके 20 रुपीज, ये आपके आप ना कैंटीन से कुछ खा लेना, आज ना सुबह टाइम ही नहीं था टिफिन पैक करने का। कैंटीन से समोसे और नूडल्स खाऊंगी। मम्मा मेरे को नहीं जाना कैंटीन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अच्छा श्याम, फिर आप ऐसे करना ना, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना,
कोई करता ही नहीं है। हाँ जी मामा, क्या ठीक कह रहा है। आजकल जब से स्कूल खुले हैं, कोई अब तक किसी से टिफिन भी शेयर करता, और टिफिन को तो छोड़ो, कोई अब तक पेंसिल तक शेयर नहीं करता। ये क्यों सी बात हुई यार, so strange। बच्चे घर पे अकेले ही सारी लग्जरीज एंजॉय करते करते लगता है शेयरिंग भूल गए हैं। ठीक कह रहे हो रमी, लाइफ को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। चलो अब बच्चों को फटाफट आप स्कूल छोड़ा। हाँ हाँ चलो बच्चों। अनन्या बेटा, तेरे को तो अभी भी खांसी है, तू ऐसा कर आज तू छुट्टी कर ले। बिल्कुल नहीं मम्मा, आई लव गोइंग टू स्कूल, मैं छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। नान्या अगर तेरी टीचर को पता चल गया कि तू खांसी कर रही है तो तुझे वो स्कूल से वापस भेज देंगे बेटा। अम्मा मैं टीचर के सामने खांसूंगी नहीं। ठीक है शनाया सियान, चलो पापा चले गए नीचे। चलो चलो बाय बाय। लेटर। क्या हो गया पुनीत, इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हो? रमनी बच्चे स्कूल से कब आएंगे? अरे अभी टाइम ही नहीं हुआ, अपने रेगुलर टाइम पे ही तो आएंगे। बट तुम्हें हुआ क्या, बताओ तो सही। रमनी का आपको पता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, मैं बहुत बोर होती हूँ। कमाल है पुनीत, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तब तुम कहती थी कब स्कूल खुलेंगे, कब बच्चे स्कूल जाएंगे, कब तुम्हें आराम मिलेगा, और अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो तुम हर थोड़ी देर में घड़ी देखी जा रही हो, उनका इंतजार करती रहती हो। हाँ रमनी आप सही कह रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में मैं सारा दिन उनके पीछे भागती रहती थी, थक जाती थी और सारा दिन कहाँ निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। पर आप सारा दिन मैं बोर होती हूँ रमनी। लगता है तुम्हें भी ऑफलाइन क्लासेस की आदत पड़ने में टाइम लगेगा। सही कह रहे हो। लेटर। ओके चिल्ड्रन टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, चैप्टर नंबर 3। एवरीबॉडी टेक आउट चैप्टर नंबर 3। अनन्या कोचर स्टार्ट रीडिंग। ओ नो, अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे खांसी आ जाएगी और फिर मैम को पता चल जाएगा कि मुझे खांसी है। क्या करूं क्या करूं? अनन्या व्हाट आर यू थिंकिंग, स्टार्ट रीडिंग। एक्चुअली मैम आई डोंट वांट टू रीड। व्हाट डू यू मीन यू डोंट वांट टू रीड? आप पढ़िए चलिए। डू नॉट ट्राई एंड चीयर अप एल्सा एंड सेड मम। अनन्या आपको कॉफ है? और इतना ज्यादा कॉफ है, तुम फिर भी स्कूल आई? नहीं मैम मुझे वो कॉफ नहीं था। अनन्या डोंट लाई बेटा, गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज, आई विल कॉल योर पेरेंट्स। चलिए मैं उनको बुलाती हूँ, तब तक आप बाहर रिसेप्शन में बैठिए। ओके कंटिन्यू चिल्ड्रन। लेटर। अनन्या मैंने तो पहले ही मना किया था कि स्कूल मत जाओ। सॉरी मम्मा, मेरे स्कूल जाने का बहुत मन था। रमनी आज ही अनन्या का टेस्ट करा लेते हैं। अरे ये स्कूल जाना तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा आज क्या है कल क्या है, कल बच्चा जाएगा या परसों जाएगा, या उस बच्चे की क्लास में कुछ हो जाएगा, क्लास ही बंद हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहे हो आप। अरे ये क्या, अरे स्कूल से मेल आई है। अच्छा? कल से तुम्हारी समर वेकेशन शुरू। ये नहीं यार, स्कूल फिर से बंद हो रहे हैं, अभी तो शुरू हुए थे। तो गाइस यार हमारे बच्चों का तो स्कूल का यही हाल है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके वहाँ क्या हाल चाल है, आपका स्कूल कैसा चल रहा है, और आपको समर वेकेशन होने पर खुशी हुई, खुशी हो रही खुशी हुई है या दुख हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या के स्कूल का न्यू फोन आ गया, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 व्लॉग्स पे। अनन्या का तो बहुत ही अच्छा फोन था,